हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है सब लोगों का। आज लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है, तो अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा है जब हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चा लोग, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही टॉपिक है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि लगते देखने से क्वाड्रेटिक के नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है विवेक मिश्रा, IIT JEE में इंटर कोटा पॉइंट, आपका स्वागत करता हूँ इस बेहद खूबसूरत से वीडियो में। तो बच्चा लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे इस तरफ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एट फर्स्ट साइड, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म का नहीं नजर आता है, पर मेरे को ऐसा इसको उसमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा खुद से सोचो। इसके नीचे वन है, यहाँ एक्स है, वन और एक्स का एलसीएम एक्स, तो सोचो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, एक्स से। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन, वन इंटू वन वन इज इक्वल टू थ्री। बहुत ही बढ़िया, एलसीएम लिया हमने, कुछ खास नहीं किया। तो जरा खुद से सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री एक्स। अब यहां से अपन बोल सकते हैं, थ्री एक्स को इधर ले आओ, यहां से अपन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको नजर आने लग गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बताओ जरा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नजर आया या नहीं आया? बताओ, ए के जगह पर कितना है, वन, बी के प्लेस पर कितना है, माइनस थ्री, और सी के प्लेस पर कितना है, वन। तो सबसे पहले इसका एक डी एग्जिस्ट करेगा, चलो डी निकाल लेते हैं। यार डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। निकाल लो, बी स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर ऑफकोर्स, माइनस फोर इंटू ए के प्लेस पे क्या है वन, और सी के प्लेस पे क्या है वन, तो माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, माइनस फोर दैट इज फाइव, और फाइव जो है वो जीरो से बड़ा है। जब भी डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ऑफ कोर्स करता है, रियल रूट एग्जिस्ट करता है। बच्चा लोग, जो बच्चे सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले इससे पहले वाले वीडियो को देख ले, ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो चलो निकाल लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलो निकाल लेते हैं। बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। ओहो, चलिए देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस टाइम्स ऑफ माइनस थ्री, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस थ्री, बी का वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस थ्री है ना, और ये माइनस फॉर्मूला वाला, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे फाइव अपॉन टू ए, यानी टू इंटू ए के प्लेस पे कितना है वन, ठीक है। तो यहां से अपन क्या देखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू इंटू वन टू। तो यहां से एक्स का दो वैल्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स के दो वैल्यू एग्जिस्ट किए, थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू और एक बार थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू। आपको आई होप ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी कर लीजिए अगर आप कॉपी पेन यूज कर रहे हैं तो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा खुद से सोचो, एक्स और एक्स माइनस टू का एलसीएम क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू। कुछ आवाज किया, शायद रिकॉर्डिंग रुक गया क्या, नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया, ओके। चलिए एक्स इंटू एक्स माइनस टू, तो जरा सोचो यहां क्या होगा, एक्स माइनस टू माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स ने एक्स को काटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स,
इज इक्वल टू 3। जरा खुद से सोचो बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x जब यानी क्या हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये इधर ये यहां जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है, चलो इसको इधर लेके इधर इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6। चलो इसको यहीं लिख लेता हूं, ऊपर ही लिख लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और माइनस 2 यहां जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पे माइनस 6 और सी के जगह पे 2। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।